ऊपर है जिंदगानी के ऊपर में तू अकेला ही रही है हम भी तेरे हम सफर है मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के देख मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के मुड़मुड़के ना देख मुड़मुड़के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है हाय फिल्म श्री 420 में भी आपने आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा नगमा समाप्त किया। फरमाइश आप सबकी थी। मोहम्मद इशराफ, मोहम्मद वामिक, मोहम्मद ताजदार साहब शामिल हुए हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है और वो गाना हम ज़रूर बजाएंगे क्योंकि हमने वो गाना आज अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। अगला हमारे पास जो मैसेज आया है और फरमाइश जाहिर की है आदाब के साथ, प्रकाश राम भड़े हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ ये नागपुर से इन्होंने हमें मैसेज भेजा है। इसके इनके साथ जो है जानवी और वैष्णवी भी शामिल हैं इस मैसेज में। अगला मैसेज हमारे पास आप पहुंचा है मोहम्मद सईद अब्बासी साहब का, हिना मौजू आदाब अर्ज़ है और कह रहे हैं कि ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है तामिल इरशाद, इसका ये बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इनके साथ मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज अब्बासी भी इस मैसेज में शामिल हैं। ये मैसेज आ गया है सुरेश मलोदे का, मानसी मलोदे, सुरेश मलोदे और इनके साथ हैं श्रद्धा मलोदे, कोपर गाँव से इनका ये मैसेज है और इन्होंने भी गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी। अगला नगमा जो हम आपको आप तक पहुंचाएंगे वो है मुकेश की आवाज़ में और फिल्म है जागते रहो। ये खूबसूरत सा जो नगमा है इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है राजी शर्मा ने आदेश नगर मलौत पंजाब से। इसके इनके साथ मीना शर्मा और योगेश भी शामिल हैं इस मैसेज में। अगला मैसेज हम तक आया है दोहा कतर से शेख ज़ियाउर रहमान साहब का और इनके साथ अताउर रहमान और हबीबुर रहमान भी इस मैसेज में शामिल हैं और फरमाइश इन्होंने साथ मिलकर की है। तामिल इरशाद प्रोग्राम में अगला मैसेज आ पहुंचा है
विशाल सपकल का, और इनके साथ आशा सपकल, किशन और विशाल के अलावा इनके साथ ही मौजूद हैं। अगला मैसेज है अरविंद कुमार साहब का, और ये मैसेज इन्होंने लिखा है मन्ना डे साहब की आवाज़ में। तो देखिए, आपका मैसेज पढ़ने से पहले ही हम मन्ना डे की आवाज़ में आपको गाना सुना चुके हैं। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियत कुमार, नियति कुमारी शामिल हैं, और इनका ये मैसेज आया है मधुबनी बिहार से। तो जी, अगला नगमा आप तक पहुंचाते हैं तामिल इरशाद का, आप सबकी फरमाइश पर। ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का ये उसने भी कहा, क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में।
आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। सीआईडी फिल्म का अभी आपने दो गाना सुना, आवाजें थीं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की। अगला नगमा आप तक पहुंचाने से पहले बता दें कि सीआईडी के नगमे की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी प्रवीण रानपारा ने, और इन्होंने हमारे पास ईमेल किया है गांधीग्राम राजकोट से। इनके साथ प्रवीण सोनी, स्वाति सोनी और कलावती सोनी भी शामिल हैं, और ये लिखते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत में चलाया हुआ गाना बहुत पसंद आया इन्हें। और अगला मैसेज अजीज़ुर रहमान साहब का पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि कोई भी नगमा हमें सुना दीजिए नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से, अज़ीज़ भाई वसीम मतीन भाई और इनके साथी। शुक्रिया के साथ ये शामिल हुए हैं। अगले नगमे की फरमाइश हम तक पहुंचाई है मनमोहन राजावत ने, और इनकी फरमाइश जो है उस पर हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। मनमोहन राजावत के साथ मधु राजावत और रशीद राशिर, इनका नाम ठीक से लिखा हुआ नहीं है, मधु राजावत के साथ एक और नाम शामिल है लेकिन वो नाम ठीक से लिखा नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। अगला मैसेज हमारे पास आया है रामजी साहू का, और इन्होंने भी एक नगमे की फरमाइश हम तक पहुँचाई है, और अगला नगमा जो सुनना चाहते हैं वो हैं राजकुमार डूडी, इनके साथ प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी भी शामिल हैं इस फरमाइश में। ये मैसेज हमारे पास आया है प्रोग्राम तामिल इरशाद में, आदाब अर्ज़ कर रहे हैं, और ये हैं सरदाना मेरठ से अनिल जैन। अनिल जैन और इनके साथी सुनना चाहते हैं अगला नगमा। अशोक दाले भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में सविता और अनिकेत के साथ। इनका ये मैसेज हम तक पहुंचा है श्रीरामपुर से, और अगला ईमेल हमारे पास जो आप पहुंचा है वो है अनिल बुरांदे, और अनिल बुरांदे ने सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजा है और कोई मैसेज इनका नहीं हम तक पहुंचा है।
और जी एक शिकायत के साथ प्रभुदास कुटेचा जी शामिल हो चुके हैं। हुजूर आपका नंबर जब आएगा, आपका मैसेज जब सामने आएगा ईमेल में, तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी का मैसेज छोड़ना चाहती हूँ या जानबूझकर छोड़ूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट किया कीजिए, परेशान मत हुआ कीजिए। हिना बाजी आदाब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिन बाद आपको सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। फैज़ अहमद साहब हैं खंडवा से। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, नीता सैनी शामिल हुई हैं दुर्गा प्रसाद सैनी और गौरव सैनी के साथ, इनका ये खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे पास ईमेल आया है। अगला जो नगमा हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो है बसंत बहार फिल्म से मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। तो लीजिए सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा। रो रो के इन्हीं
सफर मेरा ही, मिलते हैं बिछड़ जाने को और दिल जाते हैं यदि तन्हाई में तड़पाने को। या हुजूर, ये यादों का कारवां है, ये चलता रहता है, कभी खुशी तो कभी गम। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम तामिल इरशाद आकाशवाणी की उर्दू सर्विस पर। ये नगमा भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में मुनीम जी फिल्म से, और फरमाइश आप सबकी थी। ये हमारे पास ईमेल आया है फरमाइश के साथ, मोहम्मद रफ़ी के नगमे की फरमाइश इन्होंने की है गंज टंडवारा से, और ये हैं शादाब शमशाद, अंदलीब खानम, सारा फातिमा शेख। बिल्कुल आपको रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना ज़रूर सुनवाएंगे, क्योंकि रफ़ी साहब के गाने के बग़ैर तो प्रोग्राम मुकम्मल हो ही नहीं सकता। हिना जी, लाजवाब पेशकश, बहुत ही उम्दा नगमे सुनाए जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और आरती कुमारी। बहुत शुक्रिया विजय जी, आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बस यही हमारी कामयाबी है। कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी गाने पसंद आ रहे हैं, और ये एक गाने की फरमाइश के साथ छत्तीसगढ़ से शामिल हुए हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अगला जो नगमा हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं, वो भी लता मंगेशकर की आवाज़ में सीमा फिल्म से है, और इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार ने। धन्यवाद के साथ इन्होंने मैसेज हम तक पहुंचाया है। और कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और समर फूलमाली, अहमदपुर खंडवा से इन्होंने मैसेज हम तक पहुंचाया है इस फरमाइश के साथ। हिना बाजी, आज के नगमे बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया, ये लिखकर भेज रही हैं शबनम अकरम और इनकी बेटी फरजाना, बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास आया है राहुल मनवर का, कहते हैं कि मुकेश की आवाज़ में कोई नगमा सुनवा दीजिए। महाराष्ट्र से शामिल हुए हैं, और इनके साथ रोशनी मनवर भी शामिल हैं, और सरला भी इस मैसेज में शामिल है। अगला नगमा सुनाने से पहले एक दो फरमाइशें और शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है बाबा साहेब वडोदे और आदि चिरपे और इनके साथियों ने, और ये मैसेज इन्होंने लिखा है और कहा है कि मुकेश की आवाज़ में जो गाना सुना इन्होंने वो इनको पसंद आया। इसके अलावा ये मुकेश की आवाज़ में और भी नगमे सुनना चाहते हैं। बहरहाल नगमे बहुत सारे क्यू में हैं और इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए ये खूबसूरत सा नगमा सीमा फिल्म से सुनते हैं। छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। गम के बिछोने थे आंसू ही खिलौने थे, दर्द ही सखियां थी, दुख भरी अखियां थी, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, और दर भी न था कोई, भरे आंचल में हम छुपाए आँखों में पानी।
लंबी कहानी सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। प्रोग्राम तामिल इरशाद जारी और सारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है खबरें बड़े सगीर से सुनने का। ये आकाशवाणी की सगीर से, ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडियम वेव 171 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए फिर से आगाज करते हैं तामिल इरशाद का इस खूबसूरत से नगमे के साथ। देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। जाती हूँ वहीं चले आते हो,
दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रसम की ये बात है, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ, मुझे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। चोरी चोरी फिल्म से ये दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में। मन्ना डे की आवाज़ में नगमा सुनने की फरमाइश बहुत सारे लोगों ने हम तक पहुंचाई थी। ये मैसेज हमारे पास आया है गांव जामथड़ा ज़िला कच्छ भुज से, और ये मैसेज हमें भेजा है गंगा वानकर ने, और इन्होंने नगमे की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला नगमा जो हम आपको सुनाएंगे, उस नगमे की फरमाइश हमारे पास किस किस ने पहुंचाई है उनके नाम हम पढ़ देते हैं। रमेश चंद्र कामले जवाहर नगर दुर्ग से, आरसी कामले, करुणा और विपुल कामले भी शामिल हैं इनके साथ। ये मैसेज हमारे पास पहुंचाया है शब्बीर हुसैन साहब ने, और अगला मैसेज है मोहम्मद अल्तमश का, और अल्तमश के साथ समीना मुदस्सर भी शामिल हैं, जामनगर खंडवा से इनका ये मैसेज है हमारे पास जो पहुंचा है। तुलसी मस्कीन साहब मस्कीन भी शामिल हो चुके हैं। मैरा मीना जी नमस्कार, मेरी मेल पर गौर फरमाएं, कह रहे हैं तो जी फरमा लिया गौर। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इनका ये मैसेज है। तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और रचिता मस्कीन शामिल हैं इस मैसेज में इनके साथ। उमा सिंह का मैसेज आ गया है उत्तराखंड से, इन्होंने फरमाइश की है इस नगमे की।
ताज मोहम्मद साहब भी शामिल हो चुके हैं हरिद्वार से और इस नगमे की फरमाइश इन्होंने भी हम तक पहुंचाई है। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार और गगनदीप और अर्जु जजौरिया, इन सब के मैसेजेस भी हमें मौसूल हो चुके हैं। नवी हसन साहब ने भी मैसेज भेजा है। अनम अब्बासी और नवेद हसन अब्बासी भी शामिल हैं इनके साथ इस मैसेज में। इन्होंने गाना सुनने की फरमाइश की है और ये नगमा है प्यासा फिल्म से गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। तो लीजिए सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा। हम आपके
दोष खा कर जिस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो दीवाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा हा 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 छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा तमन्ना इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा हा 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 छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा है अपना बेगाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा हा 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 छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा हा 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 छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा
पेइंग गेस्ट फिल्म में अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले को ये खूबसूरत नगमा फरमाइश की थी आप सबने। जितेंद्र शाह इनके साथ महेंद्र शाह मानसी शाह भी शामिल हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है, किसका आदाब है ना मैडम जी, आपको भी आदाब हमारी जानिब से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके साथियों का। अगला मैसेज जो हमारे पास किसका आया है देखते हैं, अरुण कुमार शर्मा शामिल हुए हैं। खूबसूरत नगमे की फरमाइश के साथ इन्होंने शिरकत की है हमारे ईमेल पर और प्रोग्राम तामिल इरशाद में। इनके साथ शामिल हैं अरुण कुमार शर्मा, रेनू देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा और उनके अहले खाना। ये है मैसेज रमेश जॉन साहब का और इन्होंने उत्तर नगर दिल्ली, उत्तम नगर दिल्ली से ये हमें मैसेज भेजा है और इन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी। कमला रानी, गीतिका और बोधराज इनके साथ शामिल थे इस मैसेज में। अगला जो नगमा हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो है मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से और ये है गीता दत्त की आवाज़ में और इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई थी खंडवा से। ये शामिल हुए हैं फैज़ अहमद, इन्होंने मैसेज किया है हमें और फरमाइश जाहिर की है। देवेंद्र भटकर का मैसेज आ गया है, मानेवाड़ रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर के साथ सुशील भटकर भी शामिल हैं और जिस नगमे की फरमाइश इन्होंने हम तक पहुंचाई है वो हम सुना चुके हैं। मोहम्मद यूनुस कतरी साहब शामिल हो चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इन्होंने जो चोरी चोरी फिल्म से नगमा हमने सुनाया उसकी बहुत तारीफ़ की है। और अगला मैसेज जो हमारे पास आया है मधुसूदन भट्ट का और इन्होंने भी जो गाना सुना तुमसा नहीं देखा फिल्म से और इनको वो बहुत पसंद आया है। जयराज प्लॉट राजकोट से, इनके साथ आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट भी शामिल थे इस मैसेज में। रफ़ीक पवार साहब आ चुके हैं अपनी ईमेल के साथ, एक खूबसूरत से नगमे की फरमाइश इन्होंने ज़ाहिर की है। मोहम्मद रफ़ीक पवार, बेनज़ीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार इनके साथ शामिल हैं। चोरी चोरी फिल्म के नगमे ने प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए, ये कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और जी अब जो लोग इस नगमे की फरमाइश के लिए इंतज़ार में हैं उनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं इस खूबसूरत से नगमे को सुना कर, तो लीजिए सुनिए।
अगले नगमे की फरमाइश आई है नया दौर फिल्म से आशा भोसले और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, और फरमाइश है आप सबकी वलीउल्लाह अंसारी पुराना तालाब डुमराव से बेगम अनुश्री वली और असमा नाज अंसारी। इनके अलावा मैसेज हमारे पास आया है कमला बलूजा का, कल्पना झा का, प्रभुदास कुटेचा और कौसर भी पवार शामिल हो गए हैं, लाला सोनी, सुशांत, प्रिया झा, मुकेश शर्मा, छाबड़ा रविंद्रा और पप्पू भाई बिजली वाले जो हैं वो बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं तो हमसे बड़ा नाराज़ हैं। तो अब मैं आपका मैसेज पढ़ रही हूँ तो हो सकता है आपकी नाराज़गी दूर हो गई हो। अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये कौन है जी, मुकेश जी की आवाज़ में नगमा सुनना चाहते हैं, ए के झा जी, इनके साथ डीपी सैनी हैं, आर एस पाटिल भी शामिल हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है प्रवीण रनपारा का, सुधीर शर्मा, मुकेश शर्मा, मोहम्मद यूनुस खत्री और दारा सिंह, इन सब ने फरमाइश हम तक पहुंचाई है, स्वीटी छाबरा, विजय चौहान, मोहम्मद अल्तमश, प्रथम सोनी, वहीद रुमानी, इंद्र भान सिंह, भाई मूसा शेख, फैज़ अहमद, परवेश सोनी, इनके साथ बोधराज कोतवाल, अनिल कवचले और इंद्रजीत भी शामिल हैं। बहुत सारे मैसेज इन सब के हम तक आए हैं, मोहम्मद यूनुस खत्री साहब का कई बार मैसेज आ चुका है, सुधीर शर्मा, अलिम पाटिल, दिलावर खान, रविंद्र सिंह छाबड़ा, बिट्टू भाटिया, नासिर शेख, मुकेश शर्मा, नीलू मेघ, इंद्रभान सिंह साहब का भी कई बार मैसेज आया है। तो जब आप रिपीटेड मैसेज भेजते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आगे बढ़ जाते हैं और हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक ही बार मैसेज भेजिए और आप देखेंगे कि आपके मैसेज ज़रूर पढ़े जाएंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक वो नगमे भी पहुँचाए जाएँ जो आप चाहते हैं सुनना, और वो मैसेजेस, वो ईमेल्स भी आप तक पहुँचें जो आप इतनी खलूस के साथ हम तक पहुँचाते हैं। तो तामिल इरशाद में अगला नगमा नया दौर फिल्म से लीजिए समाप्त कीजिए। के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। इस नगमे की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, इरफान कुरैशी ने, और इन्होंने ये हमें पटियाला से मैसेज भेजा है। बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। किसान सबकल साहब शामिल हो चुके हैं, किसन सबकल, आशा सबकल, विशाल सबकल का मैसेज आ गया है। इसके अलावा फैज़ खलील साहब शामिल हैं हमारे साथ,
इस खूबसूरत सी नगमे की फरमाइश उन्होंने की थी है, और आलिम पटेल साहब जो हैं उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वहीद रूमानी साहब ने भी बहुत पसंद फरमाया है। प्रसाद जादव साहब का भी मैसेज आ गया है, सुरेश जादव, अनीता जादव, प्रसाद जादव और बेबी सोनल जादव इनके साथ शामिल हैं इस मैसेज में। तो जी चलते चलते इस प्रोग्राम के आखिर में एक खूबसूरत सा नगमा आप सबकी फरमाइश पर पाकीज़ा फिल्म से आपके लिए सुना रहे हैं, और इस खूबसूरत से प्रोग्राम का ये आखिरी नगमा समाप्त कीजिए। पाकीज़ा फ़िल्म के इस नगमे की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी ज़ुबैर अली ख़ान, अलफैज़ ख़लील, नौशाद सिद्दीकी और राशिद हुसैन के साथ मुकेश शर्मा ने। तो जी तामिल इरशाद प्रोग्राम बस यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। ये ऑल इंडिया, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।